हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज क्यूर बस। आई होप यू गाइस आर गुड एंड डूइंग गुड। सो बिफोर गोइंग टू टॉपिक, प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप यहां पे देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है ओपन सोर्स लाइब्रेरी इन डेटा एनालिसिस। तो किसके बारे में हम पढ़ रहे थे? हम पांडास के बारे में पढ़ रहे थे। तो पांडा लाइब्रेरी हम देख रहे थे कि उसके अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज क्रिएट की थी। उसके बाद हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा फ्रेम्स क्रिएट किए थे सीरीज़ की मदद से। फिर हमने क्रिएटिंग अ रैंडम डेटा फ्रेम्स क्रिएट किए थे। ठीक हो गया। सो टुडेज टॉपिक इज़ हाउ वी कैन रीड अ सीएसवी फाइल। ठीक है, तो हम सीएसवी फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं पांडा के थ्रू। तो इस लाइब्रेरी की हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो हम आज ये भी देखते हैं कि इसके बराबर हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे चलिए टाइम ज़ाय नहीं करते, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख भी देते हैं रीड द सीएसवी फाइल्स। तो आज हम सीएसवी फाइल्स को रीड करेंगे, तो यहाँ पे हम देख भी लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है गाइस, कि आपके पास कोई सीएसवी फाइल होती है। हम यहाँ पे चले जाते हैं, हमारे पास कोई सीएसवी फाइल पड़ी है कि नहीं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रेनिंग सेट के नाम से आपके डेटा टेस्ट सेट के नाम से भी आपके पास सीएसवी फाइल है। आप यहाँ पे ओपन कर देते हैं, यहाँ पे ये आपके पास सीएसवी फाइल है, ये आपने देख लिया। लास्ट वीडियोस में भी आपको मैंने दिखाया था सीएसवी फाइल को किस तरह आप ओपन कर सकते हैं विद ओपन फंक्शन के साथ, और वहाँ पे हमने सीएसवी फाइल्स के अंदर भी देखा था। तो हम पांडा लाइब्रेरी के थ्रू भी किस तरह करते हैं, तो हम यहाँ पे भी देख लेंगे कि हम इसको किस तरह करते हैं। ठीक है, इसको आपने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना है कि कोई वेरिएबल देना है, हमने इसको सीएस वेरिएबल दे देना है। ठीक है, पी डी डॉट रीड सी एस वी। तो सिंपल आपने यहाँ पे वो फाइल को लिख देना है यहाँ पे, तो ये आपने कर दिया। ठीक है, तो ये उसको रीड करेगा। अब इसने रन कर दिया आपने, तो पी डी इज़ नॉट डिफाइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम गाइस यहाँ पे आप आते हैं, इसको रन करें, दोबारा से इसको रिस्टार्ट करें। तो यहाँ पे आप आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप आ चुके हैं। आपने यहाँ पे क्या करना है गाइस, दोबारा से सी एस कर देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस, आपने यहाँ पे पी डी डॉट रीड सी एस वी किया, तो वो जो टेस्ट सेट डॉट सी एस वी के अंदर जो डेटा था हमारे पास, ये 2859, तो इसको उसने यहाँ पे डेटा फ्रेम की शक्ल में यहाँ पे उसने हमें सामने शो करवा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर और भी हमारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो आपने रीड करवा लिया इसके अंदर। आप यहाँ पे क्या करवा सकते हैं कि आप यहाँ पे आप देखें, आपके पास एक हेड का फंक्शन होता है। हमारे पास आप हेड होता है कि हमारे पास जो पहली पांच रोज होती हैं वो हमें शो करवा दे, तो उसने हमें पहली पांच रोज और कॉलम शो करवा दिए। इसके बाद आप एक और फंक्शन भी लगा सकते हैं जिसको आप टेल कह सकते हैं। ठीक है, टेल कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट आपको जो लास्ट होगी हमारे 1995 से लेकर, तो ये हमें टेल भी दिखा देगा। उसके बाद क्या होता है गाइस, कि हमारे पास एक डिस्क्राइब का मेथड भी होता है जो हमें डिस्क्राइब करेगा कि हमारे पास जनाब हमारे पास काउंट कितनी है या मीन वैल्यू कितनी है, एसटीडी मिनिमम मैक्सिमम उसकी वैल्यू 25%। तो ये हमें सारा कुछ उसका बता देगा, उसको डिस्क्राइब कर देगा डेटा को सारा कुछ हमारा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, उसको डिस्क्राइब कर दिया उसने। तो ये आप सी एस वी फाइल के अंदर आप डेटा फ्रेम की क्या कर सकते हैं कि पांडा की मदद से आप किस तरह इसको मेथड को यहाँ पे शो भी करवा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक और भी करवा सकते हैं सी एस डॉट शेप। तो आप ये भी देख सकते हैं इसमें कितने कॉलम्स हैं, कितने हमारे पास रोज हैं। तो टपल के नॉट सी एस वी डॉट शेप। अब यहाँ पे देखें 205, हमारे पास 200 रोज और 5 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो आपने यहाँ पर शो भी करवा सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 है हमारे पास और 5 हमारे पास कॉलम है, तो उसने ये भी हमारे पास शो करवा दिया। उसके बाद गाइज हम क्या करते हैं, उसके बाद एक और काम भी आप करवा सकते हैं इसकी। सपोज़ कि कोई आपने यूआरएल आपने रीड करवाना है। ठीक है, तो अब यूआरएल आपने रीड करवाना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, न्यू यूआरएल करें और कोई भी यूआरएल आप पकड़ लें। अब आप यहाँ पर कोई यूआरएल पकड़ते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी चला जाता हूँ एकेडमी अवार्ड विकिपीडिया, और यहाँ पे मैं इसका चला जाता हूँ। यहाँ पे आप देखें, ठीक है, आप इसको कॉपी करें। ठीक है, वो इसके अंदर आप इसको यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट कर दें। ठीक हो गया।
अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इसकी आपने यहाँ पे इसकी मदद से आपने HTML जो हो गया आपकी न्यू HTML ठीक हो गया, और यहाँ पे आप PD की मदद से यहाँ पे पांडास की मदद से आप यहाँ कैसे करते हैं ये भी आप देख लेंगे HTML, तो यहाँ पे आप आ गए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है गाइस, यहाँ पे वही न्यू URL देना है आपने new URL, और यहाँ पे आपने हेडर इक्वल टू 0 कर देना है। उसके बाद आपने एक और काम करना है, यहाँ पे आपने लिखना है कि इंडेक्स एंड कॉलम इक्वल टू 0, ये भी आपने लिख देना है। उसके बाद आपने इंडेक्स देना है 3 तक, और इसको आप रन कर दें, और उसके बाद आप यहाँ पे आपने क्या करना है न्यू HTML कर देना, और यहाँ पे आपने हेड कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेड में जो उसकी 5 तक आप कर दें उसको कि आपको शो करवा दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, अब आप यहाँ पे चले भी जाएँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एकेडमी अवार्ड इसके अंदर उसने क्या कर दिया। यहाँ पे हम देखते हैं डेटा में कि विनर और अवार्ड और विनर उसने यहाँ पे देख लिया, एंथनी हॉपकिंस द फादर ऑफ उन्होंने यहाँ पे उसने देख लिया। आप यहाँ पे जितने भी करवाना चाहते हैं 10 करवा दें हेड, पहले आपको पहले 10 शो करवा देगा। तो यहाँ पे आप देख भी लेते हैं, यहाँ पे आप बेस्ट डायरेक्टर आपको बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले आपको विकिपीडिया से आपने उसने एक्सट्रैक्ट करके आपको यहाँ पे दे दिया। तो ये भी आप इस तरह से इसमें करवा सकते हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद आप यहाँ पे एक और काम भी करवा सकते हैं आप यहाँ पे उसी तरह आपकी मर्ज़ी है शेप करवाएं, आपको यहाँ पे दे देगा कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 8 रोज है हमारे पास, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें न्यू HTML डॉट डिस्क्राइब, तो आप उसी तरह यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब भी करके दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मदद से आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसी तरह वो वाले फंक्शन भी लगा सकते हैं टेल का, आपको नीचे से बॉटम से दिखा देगा कि यहाँ पे आपने आप कौन से हैं, क्लोली जो है बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर, यहाँ पे बॉटम से आपको यहाँ पे शो करवा दिया उसने क्लोली और ये सारा कुछ, ओके। तो ये भी आपने देख लिया आपने इसको किस तरह से पांडा की मदद से आपने HTML को कैसे रीड कर लिया, ये भी आपने एक नई चीज़ सीखी आज, और CSV फाइल को आप कैसे रीड करते हैं। तो JSON फाइल को भी हम देखेंगे कि JSON फाइल भी इसी तरह ही होती है, JSON फाइल को हम कैसे रीड और वो करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डेटा कनेक्टिंग भी करेंगे, उसके साथ हम कैसे क्या कर सकते हैं डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो आज हमने जो किया है वो हमने रीड CSV फाइल्स किया है कि CSV फाइल्स को कैसे रीड कर सकते हैं। उसके अंदर हमने हेड भी देखा फर्स्ट ऑफ ऑल 5 को, फिर टेल भी देखा बॉटम से कैसे, डिस्क्राइब भी देखा, शेप भी देखा। उसके बाद आप एक HTML को किस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML दो जो भी हो उसको रीड कैसे करवा सकते हैं। कोई भी HTML आप ले लें यहाँ पे, और उसको आपने जैसे हमने ये ले लिया HTML लिया था उसको आप हम यहाँ पे रीड कैसे करवा सकते हैं, उसके अंदर से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, ये भी आपने देख लिया। तो कल की वीडियो में मिलते हैं, और ये Part 2 था इसका पांडा लाइब्रेरी का। तो हम अगली वीडियो में हम देखते हैं कि हम डेटाबेस कैसे कनेक्ट करेंगे, और उसके साथ हम एक और भी देखेंगे कि हम JSON फाइल्स को कैसे रीड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।